गुड इवनिंग एवरीबडी वेलकम टू माई चैनल करने का मौका मिला होगा में 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 तो मैं मैं से चालू करते हैं। में, मार्केट में मैं इस लेवल के आसपास आया था हालांकि आल, मॉर्निंग में मैं मार्केट देख रहा था बट प्रॉब्लम यह है कि हमने कल इतना फोर्टी वन मिनट्स का वीडियो ऑलमोस्ट फोर्टी फाइव का लेंथ का वीडियो बनाया क्या उसका कुछ फायदा हुआ आज क्योंकि मार्केट में हमारी एक जो व्यू थी आज तो की टाइमिंग भी अगर हम देखें हमारी व्यू थी कि मार्केट थोड़ा ये जो टाइमिंग है यहाँ पे ना यहाँ तक वन ओ क्लॉक तक हम मार्केट में डिप्स में ही थे उसके बाद हमारा एक सेल था वन थर्टी टू टू थर्टी एंड देन सेल ऑन राइज अप टू थ्री थर्टी इस तरह का एक मार्केट था हमारा और ये सेल मैंने बोला था एक गुड सेल आएगा तो पैटर्न हमारा इस तरह का था द ओनली प्रॉब्लम दैट हैपेंड इज दिस एरिया द मॉर्निंग अगर मैं आशो टाइमिंग की भी बात करूनली दिस एरिया इन द मॉर्निंग और जहां पे एक्चुअली हमने कोई थ्रेड लिया ही नहीं क्योंकि व्यू हमारा बाई ऑन डिप्स का था और मैंने यह बोला था अगर मार्केट गैप डाउन होता है तो डे हाई के कट पे आपको बाई करना है

क्योंकि मार्केट आज ऑलमोस्ट थाउजेंड पॉइंट गिरा है राइट करेक्ट हाउ मेरी पर्सनल ट्रेडिंग में बता दो हमने वीडियो में प्लान तो बहुत कुछ किया था हमने right? राइट और उसमें से बोला था कि कुछ कुछ सिनारियो जहां पे होगा हम ट्रेड लेंगे दो तीन चीजें जो हमने बोली थी कि थर्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड का टारगेट मिनिमम आना चाहिए और बहुत इजीली स्लिप करेगा मार्केट और मार्केट ने वही किया अगर आपको लाइव में पता होगा मैंने यहाँ पे जैसे ये कैंडल बन रही थी मैंने बोला के वीकली टारगेट हमारा हो गया है आइडियली टारगेट वन कोर्स और एक दो टारगेट नीचे हैं पर टारगेट वन हमारा यहाँ पे कम्प्लीट हो गया है तो ये कैंडल पे एक बाइंग आपकी बनती थी एक्चुअली कुछ लोगों ने लिया मैंने भी लिया मैंने यहाँ पे हालांकि दो बार में कैप्चर किया है यहां से यहां तक एक कैप्चर किया था मैंने फिर दोबारा मार्केट ने जब ये स्विंग हाई काटा और लोगों ने मेरे को यहाँ पे पूछा भी कि मार्केट कितना ऊपर जा सकता है मैंने बोला ये लेवल आपको अगर याद होगा थर्टी एट थाउजेंड नाइन हंड्रेड के ऊपर मार्केट नहीं सस्टेन करना चाहिए दिन भर फुल डे दैट इज ये पचास पॉइंट ऊपर गया बट ठीक है स्पाइक मार के गया एंड यहाँ पे मैंने एक सेल लिया था यहाँ पे एक बुकिंग किया था मैंने बोला था सो द ट्रेड वॉज लाइक दिस फ्रॉम हियर एग्जैक्टली फ्रॉम हियर टिल हियर बट इन टू ट्रांचेस एक बार में नहीं मैंने दो बार इसको कट करके लिया है ठीक है एंड देन दिस वाज द पी वाई सो दिस दिस आर द ओनली थ्री ट्रेड्स दैट आई डिड इन द एंटायर मार्केट ये भी सेल ले सकते थे बट ये थोड़ा मतलब आप लाइव में चार्ट बनने के बाद ये बहुत इजी दिखता है बट लाइव में करना बहुत मुश्किल है ठीक है बट ये जो तीन ट्रेड थे ये परफेक्ट इन ट्रेड थे हमारे हां और एक्चुअली बड़ा पैसा तो पी में बना है ये भी आपको छोटा दिख रहा होगा बट इट इज आइडियली थ्री हंड्रेड फिफ्टी टू फोर तो हंड्रेड नाइन थ्री हंड्रेड पॉइंट का फॉल ओके थ्री हंड्रेड पॉइंट का फॉल हमने यहाँ तक लिया था ना अगर आपको याद होगा यहाँ पे तो मैंने बोला था कि वीकली टारगेट डन है अपर कैपिंग लेवल ये भी दी थी आपको ये भी बोला था कि आ, मार्केट थर्टी एट थाउजेंड नाइन हंड्रेड का लेवल जाने के बाद एक बार थर्टी एट थाउजेंड फोर हंड्रेड के आसपास आएगा ये लेवल मैं थोड़ा डे लो के नीचे एक्सपेक्ट कर रहा था ये डे लो के पास ही आया सो पॉइंट मिस हो गया बट ये फॉल जरूरी था सेकेंड लेना नहीं तो नहीं लेते बट पहला आपको लेना था ठीक है इज आवर व्यू वेन ड्रॉन्ग मोटा मोटा बिकॉज इफ यू लुक एट आस्ट्रो की टाइमिंग भी अगर मैं देखूं यहां से हमारी जो थी इलेवन टेन फिफ्टीन से वन फिफ्टीन तक हमारी एक बाइंग थी और वन थर्टी के बाद हमारी एक सेल थी ऑन राइस था अप टू थ्री थर्टी जिसमेंटी मैंने बोला था कि बड़ा सेल आएगा वो बड़ा सेल आया बट थोड़ा पंद्रह मिनट पहले आया तो प्राइस एक्शन और एक्शो टाइमिंग को अगर आप मैच करोगीन को हमारी बाइंग खत्म हो गई थी लाइक like, हमने पंद्रह मिनट का गैप दिया था और बोला था वन थर्टी से सेल चालू होगा बट सेलिंग 115 से चालू हो गई बिकॉज ये मैक्स कैपिंग लेवल थी ठीक है सो दिस इज जस्ट फॉर लर्निंग पर्पज गाइस ओके क्या हमें ये जैकपॉट लेना चाहिए था क्योंकि ये भी पांच सौ पॉइंट गिरा है लेना चाहिए था बट हमने लिया नहीं बिकॉज आई वॉज नॉट सो कॉन्फिडेंट के थर्टी आज ही आ जाएगा ओके सो दैट इज द ऑनली प्रॉब्लम दिस इज द लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू आज का और निफ्टी देखो निफ्टी में मैंने क्या बोला था ये लेवल अपर लेवल बोला था आपको मार्केट इसके नीचे ओपन हुआ यह सीनारियो हमने डिस्कस किया नहीं था बट सबको पता है जो हमारी बाय होती है इसके नीचे अगर मार्केट ओपन होता है तो ये सेल ऑन राइज बनता है सेल जोन अगर होता है इसके ऊपर मार्केट जाके सपोर्ट लेता है तो बायोन डिप्स बनता है और दिन भर उसी साइड में रहता है पीपल हु आर माई विडियोज फॉर ए लॉन्गर टाइम दे नो दिस फॉर्मूला राइट मेरा बाई जोन, सेल जोन का फॉर्मूला नॉज यहाँ पे एक्चुअली बैंक निफ्टी में तो नहीं ले सकते थे बट निफ्टी में ये सेल आप ले सकते थे ये वाला क्योंकि ये बाइजोन फॉर्मूला में रिवर्स जो होता है हमारा रेजिस्टेंस बनता है डे तो लो कट के बाद ये ले सकते थे आप ठीक है ये लिया जा सकता था बैंक निफ्टी में अपने प्राइस एक्शन थ्योरी के हिसाब से बनता नहीं था सेल बट निफ्टी में बनता था

ठीक है और बाइजोन रेजिस्टेंस यहाँ पे आपकी सेल बनती थी वंडरफुल बैंक निफ्टी भी अपर कैपिंग लेवल में था निफ्टी भी अपर कैपिंग लेवल में था तो ये सेल बिल्कुल आपका बनता था अब किसने लिया नहीं लिया नो ठीक है सो दैट इज ओके बट निफ्टी का तो मैंने एडवांस में कुछ नहीं दिया था पर बैंक निफ्टी का मैंने बहुत क्लियरली बोला था कि इसके ऊपर मार्केट और नहीं जाएगा तो सेल बनता था और वो भी हमारी एस्ट्रो टाइमिंग के साथ मोटा मोटा मैच कर रहा था सो दिस वाज टुडे एंड uh, हमारा जो प्रिफरेबल ट्रेड हो ए, अगर वो काम नहीं करता है, ट्रेड हमारा क्या था? ही था ना। ठीक, है? ठीक है ये ऐसा नहीं था ऐसा था, हाँ हुआ एक्चुअली ऐसा अगर आप देखोगे दिस पर्सन ये थोड़ा एक्स्ट्रा आ गया देर दस्टर वेंट रॉन्ग बाकी रेस्ट मोड पूरा साढ़े चार घंटा पांच घंटा मार्केट ने वैसा किया जैसा हमारा एक्सपेक्टेशन था तो सम ऑफ ऑफ द पैचेस विल गो रॉन्ग कोर्स बट सेफ ट्रेडिंग करना है आपको प्राइस एक्शन के साथ अगर आपको समझ में आता है समझ में आता है तो यूट्यूब में क्वेश्चन भी पूछ सकते हो बट आई होप मैं वीडियो में जो बताता हूँ उसमें आपको लर्निंग मिलती होगी एनी सो दिस इज टूडे अगर आपको वीकली वीडियो का याद है देखो बहुत सारे यूट्यूबर ने आपको बुल रन का आ, वीडियो में बताया होगा बड़े बड़े यूट्यूबर मैंने भी इस बार बहुत लोग यूट्यूब के वीडियो देखे जहां पे जो अच्छे प्रडिक्शन भी करते हैं वो लोग भी बुल रन में थे कि निफ्टी सत्रह हजार सौ आ जाएगा बैंक निफ्टी चालीस हजार ये वाला चालीस हजार सौ आ जाएगा मंडे आ, हमें बेसिकली आ, बड़ा रन मिलेगा राइट एनीवे anyway, उनको डिस्कस नहीं करते बट मेरा बोलने का मतलब है मार्केट ने मैंने आपको क्या बोला था थ्री ब्लैक क्रोज वाला कॉन्सेप्ट दिया था मैंने बोला था आइधर एक पॉज कैंडल बनेगा राइट जहां पे हमें एवरी राइज वुड बी सोल्ड ये भी देखो ये जो राइज है ये पूरा हंड्रेड परसेंट सोल्ड हुआ है ठीक है एवरी राइज वुड बी सोल्ड एक बढ़िया देखो ट्यूजडे के लिए हमारा एक बढ़िया ट्रेड होता है अगर मंडे ये परफेक्ट अडोजी पॉज कैंडल बनाता है जो नहीं बनाया है जो नहीं बनाया इसने बड़ा रेड कैंडल बनाया है हाँ मैंने आपको क्या बोला था कि मार्केट में बुल रन में आपको नहीं रहना है राइट एंड इफ यू सी मार्केट ऑलमोस्ट थाउजेंड पॉइंट नीचे आया एंड निफ्टी अराउंड थ्री हंड्रेड इट्स अ वेरी सिंपल थियोरी कि वाय हमें बुल रन में नहीं रहना चाहिए था बड़ा रन अब अगर रहना भी चाहिए था जो मंडे हमारा ग्यारह से एक बजे तक का जो बाइंग था अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता तो शायद यहाँ तक हम होते इसलिए मैंने आपको अपर साइड कैपिंग का ही लेवल दिया था एक्चुअली राइट करेक्ट और मैंने बोला था डाउन साइड में हमारी जो है थोड़ी सी हार्ट अटैक हो सकती है हम ट्यूज डे एंड में अपना एडजस्टमेंट करेंगे अगर कुछ करना है और मैंने ये भी बोला था कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है तो आपको स्ट्रैंगल ओपन करना है जिसने स्ट्रेंगल ओपन किया होगा ये भी इन्होंने थाउजेंड पॉइंट फॉल अभी आपको समझ में आया होगा ये जो मैंने रेंज दिया था आपको राइट अभी ये पूरा इसके आसपास आ गया है थोड़ा सबका दिल धक 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 कर रहा होगा जो मैंने रेंज दिया है जो फ्राइडे की ऑप्शन प्रीमियम थी 340 पॉइंट्स का मैंने वीकली वीडियो में भी बताया था ना अभी भी अगर देखोगे तो इट इज अराउंड मॉर्निंग में जो ओपनिंग थी यहाँ पे मॉर्निंग में भी सेम प्रीमियम था उन प्रीमियम दोनों को मिला दो तो उतना ही था तो मंडे मॉर्निंग है अगर डे एंड तक आपने रखा है मुझे लगता है कि मेरा भी ओपन है आई थिंक थर्टी टू थर्टी फाइव पॉइंट का प्रीमियम हमें आज ही मिल गया है इवन इफ इट गैप डाउन और सी में ज्यादा प्रीमियम बचा नहीं था बट द कॉम्बो एज गिस्ट थर्टी फाइव पॉइंट अगर आपने 920 के आसपास भी स्ट्रैंगल ओपन किया होगा ठीक है एडजस्टमेंट अगर कुछ करना होगा तो कल देखेंगे भाई मुझे नहीं लगता कि चाहिए होगा क्योंकि अभी भी मेरा एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ ये है कि ये 38,2300 एट थाउजेंड टू और ये जो लेवल है 38,200 एट थाउजेंड टू हंड्रेड के लेवल से मार्केट अगर मिलता है आपको फिर दोबारा ये दोबारा नहीं ये रिएक्शन बाई साइड आपको देना चाहिए अनलेस ग्लोबल मार्केट में डिजास्टर हो तो ग्लोबल मार्केट में मुझे तो डिजास्टर लग नहीं रहा है रेंज बाउंडी चल रहा है और ग्लोबल मार्केट अगर एक घंटा इस लेवल के आसपास सस्टेन हो गया तो मुझे लग रहा है ग्लोबल मार्केट डिप्स बन जाएगा आज टुडे ठीक है तो हमारा प्रेफरेबल ट्रेड कल के लिए क्या होगा अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो हमें अगेन ओपनिंग रेंज भाई देखो मैं आज भी बोला था ओपनिंग रेंज पे ब्रेकआउट पे ही बाय लेना है तो जब तक मार्केट आपको बोलेगा नहीं तब तक आप ट्रेड नहीं लोगे तो मार्केट अगर गैप डाउन होता है कहीं पे भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे तो 200, 300 जोन जो है हमारा बाई जोन है ही है। मार्केट ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट अगर करके एक कैंडल सस्टेन करता है दैट मींस 925 को आपकी बाइंग होनी चाहिए केस में ये डे हाई शायद मार्केट दोबारा टच करे 990 ओके स्टॉक की टाइमिंग अगर मैं दे दू आपको तो ये नाइन फिफ्टीन टू टेन बाय है टेन टू इलेवन भी बायो मूवमेंट है इलेवन टू इलेवन फोर्टी फाइव भी बाय है बीच बीच में रेड कैंडल्स आएंगे ये जो गैप्स आपको दिख रहे हैं ना ये बीच बीच में आपको रेड कैंडल्स मिलेंगे इसलिए मैंने पैचेस में बाइंग दिया बट हाउ एवर बारह बजे तक तो एक बाइंग दिख रही है द अगेन टू 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 थर्टी कन्फ्यूजिंग टू फोर्टी फाइव टू थ्री थर्टी स्लो बाय इसमें ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है तो आपकी मॉर्निंग की बाय बारह बजे खत्म हो जानी चाहिए और कोई ट्रेड नहीं होना चाहिए अगर पी लेना है तो ट्वेल्व टू वन फोर्टी फाइव ये जो सेल है ये सेल को थोड़ा आपको ध्यान देना है ट्वेल्व टू वन फोर्टी फाइव ओके अदरवाइज मोटा मोटा जो है मार्केट स्टिल लुक्स बाय ऑन डिप्स टू टू बढ़िया चीज यही होगा कि गैप डाउन कर दे ये अनटच लेवल टच कर दे ठीक है और मॉर्निंग से ही बारह बजे तक ऊपर चले जाए ट्वेल्व टू वन फोर्टी फाइव सेल दे दें और फिर कंफ्यूज कर दे और फिर एक बाई दे दे इस तरह का एक मूवमेंट ओके बट क्योंकि हमारा मार्केट इतना गायल है तो 9:15 टू 9:30, 9:45 भी जो पहला 30, 45 मिनट्स का टाइम है ना मैं पिछले चार पांच दिन से देख रहा हूँ वो थोड़ा हमारा गलत जा रहा है आज तो टाइमिंग के हिसाब से जैसे ओवरऑल व्यू देखोगे तो ठीक है बट मॉर्निंग वाला सेशन जो ट्रेडर है एकदम 9:15 को जो ट्रेड करते हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है ठीक है तो इसलिए मैं बोलता हूँ सेफर साइड हमारा ये रहेगा प्राइस एक्शन और टाइमिंग जब दोनों साथ में मिल जाए प्राइस एक्शन सिंपल है मिनट का ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट पे एक ग्रीन कैंडल उसके बाद आपका बाय होना चाहिए बाय में मिनिमम टारगेट दोबारा इसी के आसपास होना चाहिए थर्टी नाइन थाउजेंड के आसपास आपका टारगेट आइडियली होना चाहिए बारह बजे तक उसके बाद अगर हम सेल लेंगे टारगेट अगेन डे लो के आसपास होनी चाहिए थर्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड आने को तो थ्री हंड्रेड भी आ सकता है बट ये एक हमारी प्रिफरेबल ट्रेड बननी चाहिए ओके अगर मार्केट ये ये हमारी प्रिफरेबल ट्रेड है गैप डाउन में ठीक है अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है योर बाइंग आइडियली शुड हैपन ऑन द फर्स्ट टेन मिनट्स डिप ये जो आपको दिख रहा है ना डबल बॉटम ये ट्रिपल बॉटम के आसपास और यहाँ पे भी डब्लू पैटर्न आपको दिखना चाहिए तब जाके आप बाई करोगे ट्रिपल बॉटम से सेम सेम एंगल मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कल कल भी मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कल मार्केट जाएगा मुझे जो लग रहा है ओके और आ, मार्केट यहां से फिर सेल हो जाएगा अगर ये सिनारियो बनता है तो ठीक है रेंज देखो पर्सनली मेरा जो बोलना है रेंज कल यही रहने वाला है गैप अप हो या गैप डाउन ठीक है मुझे नहीं लगता कि मार्केट इसके ऊपर जाएगा कल भी कल भी ठीक है दैट्स व्हाट इट लुक्स लाइक तो इसी रेंज पे काम करेंगे ऊपर साइड का रेंज में सेल इतना शायद कॉन्फिडेंट होना हो बट नीचे साइड के रेंज में बाइंग वुड बी कॉन्फिडेंट दैट इज माय पर्सनल व्यू ये ऑलरेडी मैंने बोला है ये रिवर्सल लेवल है आपको स्ट्रांग बाइंग देगा तो एक भी ट्रेड अगर आपने सही ले लिया पूरे दिन भर में तो इट इज क्वाइट वेल एंड गुड देखो निफ्टी की जो रेंज है मुझे लगता है निफ्टी की रेंज है तो यहाँ पे तो मैंने अपर साइड ये बनाया है 17200 के आसपास मैंने बनाया अगर देखोगे हाउएवर मार्केट को ये जो बाई जोन है ना 17150 जो आज का भी लेवल था इसको क्रॉस करके सस्टेन होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है टू रीच देयर तो थोड़ा डिफिकल्ट है दिन भर में देखो 11 बजे से पहले अगर मार्केट गैप अप हो ऐसे ऐसे उड़ गया उड़ गया उड़ गया तब ये पॉसिबिलिटी के यहाँ तक बारह बजे तक आ जाए अदरवाइज मार्केट नहीं आएगा हाई और मुझे जो लगता है ये सेवनटीन थाउजेंड वन फिफ्टी का दोबारा मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हुआ और ऊपर गया तो इसी लेवल से दोबारा से सेल आपका आना चाहिए अराउंड वन फोर्टी के आसपास निफ्टी में द सेल लिटिल बिट कॉन्फिडेंट कंपेयर टू बैंक निफ्टी ओके okay? uh, अगर आपका गैप डाउन मार्केट होता है तो आइडियली देखो ये सेवनटीन सिक्सटीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड पे तो एक, एक तरह से ब्लाइंड बाइंग ही है तो अगर मिलता है तो आप बाय कर सकते हो मॉर्निंग में ये थोड़ा सा यहाँ पे करेगा फिर जाना है तो यहाँ तक तो आ ही सकता है हंड्रेड सेवेंटी पॉइंट्स का बाइंग मिल सकता है आपको दो ट्रांचेस में आपको आइडियली लेने हैं देन आप सेल करो ओके okay? बट ये सिर्फ 12 बजे तक 12 बजे तक जहां पे भी मिला उसके बाद आपको सेल में नहीं रहना है पर्सनल व्यू ये मार्केट का रेंज 16900 से ये वाला 17,150 ओस केस बेस्ट केस 17100 से 17900 ये 200 पॉइंट का रेंज में निफ्टी आइडियली खेलना चाहिए और आ, फर्स्ट हाफ बाय सेकंड हाफ सेल के फंडा के साथ हम जाएंगे बिकॉज़ मैंने जो बोला था आपको ग्रुप में भी कि ये पैटर्न ऐसे बनाया है वेदर इट इज गैप्स अप और गैप्स डाउन ये सेल ऑन राइज़ मार्केट में मोस्टली जाएगा दैट्स व्हाट आई सेड इन द ग्रुप आल्सो राइट तो उसी व्यू के साथ जाएंगे बाकी जो होगा वीडियो लंबा नहीं करते बाकी जो होगा कल लाइव में देखेंगे देखो तो लाइव में आ, कौन मेरा ट्रेड पकड़ पाता है नहीं पकड़ पाता है आई डोंट नो आज ऐसे मैं स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से ट्रेड नहीं देता आज भी कुछ लोगों ने पूछा मैं बता देता हूँ मार्केट कहाँ तक जा सकता है ओके okay? और उसके बाद मैंने ये भी बोला कि मार्केट नीचे कहाँ तक आ सकता है तो अगर उसके बेसिस पे आपको ट्रेड लेना है तो ले सकते हो स्ट्राइक प्राइस के बेसिस पे मैं कुछ ट्रेड आइडियली नहीं देता हूँ ठीक है थैंक यू वेरी मच गुड नाइट जय माता